इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी जानते हैं कि गुरु जी दे भी देंगे तो भी प्रजा राम जी को ही राजा मानेगी, भरत जी को क्यों आफत में पड़ना, क्यों बिना मतलब उसको दूध पिला के अपनी बेइज्जती खराब करना। अरे राम राम, ये तो रहा विरोध। समझिएगा, भरत भैया साधु, भरत भैया, त्रिवेणी मैया कहती है, तात भरत तुम सब विधि साधु। कितने प्रकार से? सब विधि, मन से, वाणी से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, सब विधि साधु। देखो आप, साधु की कभी हानि नहीं होती, ये तो त्रिवेणी मैया ने कहा, मेरे प्रभु ने ही कहा, प्रभु ने भी यही कहा है। समाधान तब जाने भरत कहे महू साधु सयाने, भरत कहे महू साधु सयाने। भरत जी कहने में रहते हैं मेरे साधु हैं, समझदार हैं, ये विश्वास हो। आप सभी अपने श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, जब भी अवसर आए झंझट का तो त्याग का वर्ण करना, झंझट का नहीं, अशांति आ जाएगी। सब कुछ देकर भी जीवन में शांति हो उसका वर्ण करो, आपसे सुखी नहीं। हाँ सब दे दो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आनंद करो। भरत भैया ने कहा, प्रात काल चली हूं प्रभु पास, चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही। रात में तैयारी बनाई गई, पवित्र सेवकों को अयोध्या जी की सेवा का भार सौंप करके, किन सेवकों को, आ तो पवित्र सेवकों को। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म मन डोले। सेवक का धर्म क्या है? स्वामी की सब प्रकार सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा सेवक। स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, स्वामी की सेवा में छल नहीं, प्रभु की सेवा में छल नहीं, निर्मल भाव। जो छल करेगा उसका परिणाम होगा। मरीच ने छल किया, हो कपटे मिर्ग तुम छलकारी, जय मिसी हरियाणा नृप नारी। मारा गया मरीच, जो छल करेगा वो मारा जाएगा, ये तो निर्णय है। हम जैसा कर्म करेंगे तो उसका फल भी तो हम ही खाएंगे ना, कि दूसरा थोड़ी पाएगा। छल किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे कानपुर में एक दूधिया भाई दूध देते थे, भाई दूधिया लोग क्षमा करेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए। तो घर में माता जी ने कहा कि महाराज श्री, आपका चेला तो लोग दूध में पानी मिलाते ही तो पानी में दूध मिलाता है। तब मैं उसको बोला, भाई ऐसा क्यों बोलते हो? बोले महाराज जी, मैं तो मिलाता नहीं, मेरी घरवाली काम भरोसा नहीं करते। तो बात नहीं भाई, चलो स्वभाव होता है, तो कोई बात नहीं। मैं भाई, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ कबूतर खाने में, वहाँ गाड़ी तो गाय माता तो रखी नहीं जा सकती, तो इन्हीं के भरोसे रहना पड़ता है। तो मैंने कहा, देखो तुम भगत हो, उसको समझाओ, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। डेढ़ महीने बाद उसका टेलीफोन आया, गुरुजी छापा पड़ गए। मैंने कहा, तुम कौन, इनकम टैक्स वाले हो, छापा पड़ गया? बोले नहीं, वो जो मिलावट नापते हैं वो छापा पड़ गया।
मैंने कहा तो क्या हुआ 10-5 हज़ार ले गए। बोले नहीं एक ले गए। कितना ले गए? एक एक समझते हो ना, एक पेटी हो, हाँ 1,00,000। तो मैंने कहा यार तुमको कहा था कि पानी वानी ना मिलाओ, तो बोलते थे मैं क्या करूँ, मैं तो घर वाली मानती नहीं, तो अब तो चला गया, सीताराम हो गए। देखो कभी भी छल नहीं करो, थोड़ा करो भाई लेकिन शुद्ध करो। छल का काम ठीक नहीं, किसी के साथ छल ना करो भाई, ये कर्म करने लायक नहीं है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषेधिन जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस वर्षा में वह शक्ति हमें दो दया निधे निज कर्तव्य मार्ग पर। कक्षा 5 की प्रार्थना थी, हम डॉक्टर साहब कहा कर दे। अच्छा उसमें क्या बात, नारायण तो माय बाप। ये व्यवहार शास्त्र, मैंने आपसे कभी किसी व्यवहार में तो छल करना ही नहीं चाहिए, व्यापार में भी छल नहीं करना चाहिए। छल से व्यापार करके जो अर्थोपार्जन कर भी लेगा उसका सुखदेय मिलता है, कभी नहीं मिलावट का काम नहीं, नहीं। क्या क्या होता है भगवान जी, हमने हमारे दुकानदार से कहा कि अरे तुम्हारी चावल में ये सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, बोले गुरुजी हम लोग नहीं मिलाते, वो कंपनी वाले मिलाते हैं, चावल में सफ़ेद संगमरमर मिला देते, ले हो गया काम। दांत में तो बेचारा क्या करेगा, 100 क्विंटल में 1 बोरी का तो काम है। जय जय सीताराम, हमने कहा किसी से कहना मत, बुरा लग जाएगा। लेकिन ये सुख का लाभ थोड़ी, इससे सुख इससे दुख बढ़ता है। जीवन के किसी भी स्तर पर हम मिलावट करेंगे, कथा में ही मिलावट करेंगे तो भी दुख बढ़ेगा। मिलावट का काम नहीं, ये तो सजावट का काम है, ये हृदय के तरावट का काम है, यहाँ कोई मिलावट नहीं। अस विचार शुच सेवक बोले जे सपने हु निज धर्म न डोले। भरत जी ने अयोध्या की सारी सुख संपत्ति व्यवस्था राज संपदा सेवकों को समर्पित कर दी, समझवा दिया आप समार करो, मैं प्रभु दर्शन करके आता हूँ, प्रभु को लेकर आता हूँ, ऐसे गुरुदेव भगवान माँ गुरु माँ माताएं सबके लिए व्यवस्था की गई। रथारूढ़ हुए गुरुदेव भगवान, माताओं की डोली आगे चलाई गई, नगर की पूरी प्रजा भरत भैया के साथ भगवत दर्शन में चल पड़े। गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया भरत चले राम को मना, मनाने सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम तरस बस सब नर नारी, राम तरस बस सब नर नारी, जनु करी करी नी चले जनु करी करी चले तक बाई, बनसिया राम समुझ मन मानी, बनसिया राम समुझ मन मानी, सानु जब भरत पया दे सयाने हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट।
भरत भैया, गुरुदेव भगवान, गुरु माँ के सानिध्य में माताओं को, सचिव गणों को, प्रजा को लेकर भगवान की शरण में चल पड़े। किसने बड़ी अच्छी बात कही, देखो भगवान का साथ न ढूंढा जाए, भगत का साथ ढूंढा जाए। भगवान तमसा तट पर अवधवासियों को छोड़कर चले गए और भरत भैया अयोध्या वासियों को लेकर भगवान की शरण में चले जा रहे हैं और पहुंचा देंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा है, संतों के संग रहोगे आप तो संत लोग भगवान की शरण में स्वयं पहुंचा देंगे। अस्तु, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने, संतन के संग पुण्य कमाई हो रे बरो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बने। तो ना ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बन गई मैया, शबरी को जाग गयो कहे कबीर सुन के साधो। सुनो साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनी। सिंगवेरपुर में निषाद जी से भेंट भई, निषाद जी ने रचना बनाई, रोक देना है, पार नहीं जाने देना। देखो आप, कई बार मनुष्य जहां रहता है वहीं सोचता है, कई बार नहीं सदैव उसकी स्थिति यही है। कोई भी व्यक्ति, आदमी जहां रहता है वहीं सोचेगा, वहीं विचारेगा। हम यदि सही हैं तो सामने वाला गलत भी हो तो हम सही विचार करेंगे, हम यदि स्वयं में गलत हैं तो हम सही को भी गलत ही मानते हैं, हम उसको सही नहीं मान सकते। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। हम आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं, प्रतिबंध नहीं है। इसलिए हमारी जो सहजावस्था है उसमें ही हमको धीरे धीरे परिवर्तन करना होगा। सच्चे को सच्चा सोचेंगे, जो सच्चा होगा वो सच्चा सोचेगा, सच्चा नहीं तो सच्चा सोचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।